अपने पूर्वांचल दौरे के तहत समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव इन दिनों बलिया में हैं। शिवपाल यादव का बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आजमगढ़ से बलिया पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से INDIA यानी इंडिया गठबंधन जो बना है उससे घबरा गई है, लिहाजा षड्यंत्र पर उतारू हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा के नूह में हुए हिंसा को शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप कि ये षड्यंत्र की बदौलत हुआ है दंगा। यूपी के बलिया के सहतवार में चैनराम बाबा के स्थान पर चल रहे 9 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ के भंडारे में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हरियाणा में हुए हिंसा और उपद्रव को लेकर ये बीजेपी का षड्यंत्र है। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, जब केंद्र में इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है तो ये हिंसा क्यों नहीं रुक रही। बीजेपी के लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और जब चुनाव आता है तो चुनाव की वजह से कुछ न कुछ षड्यंत्र करके घटनाएं कराते हैं और दंगे कराने की कोशिश करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि बीजेपी की जब केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में सरकार है, तो वो इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, ये बीजेपी का षड्यंत्र लग रहा है। अरे यार इसको ज्यादा है बनाने का खबर यार। उधर चैनराम बाबा के मंदिर में हो रहे धार्मिक यज्ञ में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने बाबा के पवित्र स्थान से 2024 में बीजेपी के सत्ता से हटने और सपा की सरकार बनने की मांग कर डाली और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने जिससे हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई और कल्याण कर सकें और अपने किए हुए वादों को निभा सकें। जैन राम बाबा से जो भी मांगा है ये तो सिद्ध स्थान है, वो पूरा कर होता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, बस यही मांगा है जिससे हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई कर सके, उसका कल्याण कर सके। और जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, जब केंद्र में सरकार इनकी है तो क्यों नहीं उठते रुक। लेकिन ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल तुष्टिकरण। और जब भी चुनाव आते हैं ना, और चुनाव की वजह से कुछ न कुछ षड्यंत्र करके दंगे कराते हैं, घटनाएं कराते हैं, कब क्या करा दे भारतीय जनता पार्टी, तो रोकना चाहिए। केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में सरकार है, क्यों नहीं रोकते। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। यूपी न्यूज 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।